सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। दोस्तों आज का जो एपिसोड है वो ये है कि पोको की तरफ से बजट सेगमेंट पे आने वाला स्मार्टफोन 7 अप्रैल को पोको लॉन्च करने वाली है, और इसमें आपको हाईलाइट फीचर ये मिल जाता है कि इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्मार्टफोन के बारे में, इसके फुल स्पेसिफिकेशन, फीचर और प्राइस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात कर ली जाए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको MediaTek Helio G36 का गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये ठीक ठाक है। और इसमें आपको 3GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.52 इंचेस की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है। और दोस्तों इसका जो रेजोल्यूशन है वो HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है इसमें आपको। अब बात कर लिया इसके रियर कैमरे के बारे में, दोस्तों रियर में आपको सिंगल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इसका जो मेन हाईलाइट फीचर है वो इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो कि 8MP का है। और इसके रियर कैमरा से आप फुल HD में @30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो इसमें आपको 5MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि फ्रंट कैमरे से आप @30fps पर फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। दोस्तों इसका डिसअपॉइंट फीचर ये है कि इसमें आपको जो कैमरा है काफी कम देखने को मिलता है इसके प्राइस रेंज के हिसाब से। आप इसके प्राइस रेंज के हिसाब से काफी सारे मार्केट में स्मार्टफोन है, आप उस पर जा सकते हो। अब बात कर ली जाए इसकी बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि USB Type-C पोर्ट को सपोर्ट करती है। और दोस्तों इसमें आपको एक डिसअपॉइंट फीचर ये है कि इसमें आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर ली जाए इसके प्राइस के बारे में, तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 8000 पे रखी जाएगी 7 अप्रैल को, और ये 7 अप्रैल को अपने इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो मेन हाईलाइट फीचर यही है कि इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, जो कि 8MP का है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी खास फीचर है नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे, और जो लोग नए लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।